हेयर फॉल हेयर फॉल हेयर फॉल, जैसा कि आप सबको पता है कि रेनी सीजन शुरू हो चुका है, तो इस सीजन में सबसे मेनली हम जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो है हेयर फॉल। क्या हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर पा रहे जिसके कारण हम हेयर फॉल से ज्यादा परेशान हो रहे हैं? हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके कॉजेटिव फैक्टर, प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट, डाइट प्लान के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ हेयर फॉल, द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर इज अवर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कमी आ जाती है। तो वो भी एक मेन कॉजेटिव फैक्टर है हमारे हेयर फॉल के लिए। सेकंड पे हम स्ट्रेस को ले लेते हैं। स्ट्रेस चाहे इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो, उसके कारण हमारी बॉडी में नेचुरली ही कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने की वजह से, हमारे रूट हेयर रूट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, वहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण भी हेयर फॉल की समस्या से हमें जूझना पड़ता है। थर्ड पे आता है हमारे लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। कभी भी हम किसी भी बीमारी से अगर लंबे टाइम से ग्रसित हैं, जैसे कि कैंसर से, ट्यूबरक्लोसिस से, तो उसके लिए हम अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उन सभी कारणों की वजह से भी हमारे हेयर फॉलिकल बहुत वीक हो जाते हैं, जो कि एक और कॉस्टली फैक्टर है हेयर फॉल के लिए। डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट और पॉल्यूशन, इसके कारण भी हमारे हेयर फॉलिकल बहुत वीक हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जो कि और एक रीज़न है हेयर फॉल के लिए। थायराइड, आजकल की लाइफस्टाइल में थायराइड हार्मोन की वजह से भी कुछ लेडीज में ये प्रॉब्लम देखी गई है हेयर फॉल की। मेनली लेडीज में स्ट्रेस की वजह से और इस थायराइड हार्मोन की वजह से भी हेयर फॉल की समस्याएं काफ़ी मात्रा में देखी गई है। आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो भी एलोपेशिया आयोटा, जो कि राउंड पैचेस की तरह उनके सिर के किसी भी हिस्से में हेयर फॉल का रीज़न बन रहे हैं। इन सभी कॉजेटिव फैक्टर को जानते हुए हमें हेयर फॉल के दौरान कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उन सभी के बारे में जानना भी आप सबका अनिवार्य है। पहले तो हमें कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि स्मूथनिंग, रिवॉन्डिंग, कलरिंग अपने हेयर पे कुछ भी अप्लाई नहीं करवाना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ें अप्लाई करवाना ही छोड़ दो, पर हेयर फॉल के दौरान आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। सेकंड पे कोई भी हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे हेयर कर्लर एक्सेट्रा यूज़ नहीं करने हैं। इसके कारण भी आपके हेयर फॉलिकल, हेयर रूट्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिसके कारण आपको हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपको बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल नहीं यूज़ करने हैं। ये सारे रीज़न आपके हेयर फॉल को एग्रीवेट कर। अगर आपका हेयर फॉल 50 टू 100 के बीच में है तो उसको नॉर्मल रेंज में लिया जाता है। अगर मोर देन 100 है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जैसे थायराइड, ब्लड से रिलेटेड कुछ टेस्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल विटामिन D3, B12, D7 एक्सेट्रा। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, फूड एंड ड्रिंक्स विच वी हैव टू कंज्यूम ड्यूरिंग हेयर फॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, इसके कारण आपके स्कैल्प को प्रॉपरली हाइड्रेशन और मॉइस्चरिंग मिलती है, जो कि आपके हेयर रूट को प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको क्या लेना है, उसके लिए आप अपने डाइट प्लान में कोकोनट वाटर, लेमनेड एक्सेट्रा इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है नट्स और सीड्स। अपनी डाइट में आप नट्स और सीड्स जैसे कैश्यू नट, वॉलनट, फ्लैक्स सीड, ये सब ऐड करिए। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जिसके कारण आपके हेयर फॉलिकल की अच्छे से ग्रोथ होती है। एग वाइट में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और बीटा कैरोटीन होती है, जो कि आपके हेयर फॉलिकल को अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचाती है, इसलिए इसको भी आप अपनी डाइट प्लान में इंक्लूड करिए।
नेक्स्ट आता है आंवला। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का और इसमें अच्छे मिनरल एमिनो एसिड होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि डरिए मत, प्रॉपर गाइडलाइन, डाइट प्लान, न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट से आप सब अपने लॉस्ट डेंसिटी को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपलोडिंग मोर वीडियोज़।